तो ये है डिजिटेक का लाइट वेट टीवी ट्राइपॉड DTR550LW, और इसमें आपको ओवर द बॉक्स यहाँ पे डिजिटेक का नॉर्मल ट्राइपॉड का फोटो, नीचे प्रोग्रेस स्टेरियो, साइड में आपको थ्री वे हेड विद एडजस्टेबल पिन नजर आता है, स्टेरियो लेवल लिंक मिल जाती है, एसेसरीज हुक मिल जाता है, बबल हेड है जिससे ये बता सकते हैं कि आपका जो ट्राइपॉड है वो सीधा रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, मल्टीपल हैंड लॉक है क्योंकि जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इस अपने वाले स्टैंड को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, आगे की तरफ कर देता हूँ तो वो गिरेगा नहीं, तो वो वाली चीज है। और प्लस मल्टीपल हेड है यानी कि आप उसे पूरा 360 डिग्री में टर्न आउट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे सेम चीज है, और इसका मैक्सिमम लोड जो ये स्टैंड उठा सकता है वो उठा सकता है 5 किलो, मैक्सिमम हाइट 5.57 है यानी कि काफी सही है। मेरी हाइट नॉर्मली 5'10" के आसपास है, 5.57 तक इसकी हाइट है तो अच्छी है। फोल्डिंग हाइट में 650 mm तक आ जाता है। ट्यूब डायमीटर 26.55 है, मिनिमम 20 मीटर है। वेट इसका 1.2 kg है, पर इतना उठाते हुए मुझे हैवी अभी तक नहीं लगा जब तक मैंने बॉक्स उठाया है, और 3 स्क्रू सेक्शन यानी यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम जल्दी से इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही हमें यहाँ पे एक बैग देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज है कि वाटरप्रूफ बैग मिला है, पूरी तरह से ये यहाँ पे बंद है। और ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, तो इसका बेस्ट बाय लिंक अगेन मैं नीचे छोड़ दूंगा, मुझे ऑलमोस्ट 1400 के आसपास का पड़ा है। अब जाकर हो सकता है कि और सस्ता यहाँ पे हो गया हो। तो एक बैग है जिसमें आप टांग सकते हैं, इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज है। अब इसको जल्दी से यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन किया और स्टैंड इन्होंने ठीक डाल रखा है, उल्टा भी डाल रखा है ताकि हम आसानी से निकाल सकें, तो मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है वो एक मोबाइल होल्डर भी दे दे तो अच्छा रहता है, पर फिलहाल मेरे पास एक पुराना मोबाइल होल्डर है जिसको मैं यूज करूंगा। यहाँ पे लगाकर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है। हाइट वाइज काफी ऊंचा जा सकता है, मैं इसको पूरा ओपन करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको उसकी हाइट का अंदाजा हो सके। तो अब स्टैंड को मैंने प्रॉपरली पूरा ओपन कर लिया, आप जैसे देख पा रहे हैं। अब मैं सामने जाके इसकी हाइट को भी आपको शोकेस करता हूँ कि मेरी हाइट कितनी है। हाइट और इसमें मेरा 5'10" है और स्टैंड की आपको हाइट का उसके बाद अनुमान लगा सकेंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5.10 के आसपास और ये 5.5 तक जा रहा है स्टैंड, तो काफी ओवरऑल अच्छा है। प्लस यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इसको टाइट कर देंगे तो ये उधर उधर रोटेट होना बंद हो जाएगा, और इसको भी आप अगर आप कर देंगे तो इससे भी आप आराम से इधर उधर जो करना चाहते हैं ऐसे वो आराम से वो भी आप लॉक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये स्टैंड ऐसे ना हो के ऐसे हो रहा है तो ठीक है, एक प्लस पॉइंट हो रहा है। अगर मुझे शूट करना होगा तो अपना मोबाइल ऐसे करके साइड में से इसको इस साइड रोटेट कर दूंगा, जब मुझे किसी टेबल की प्रोडक्ट डेमो दिखाना होगा या कुछ भी करना होगा तो स्टैंड को मैं ऐसे रोटेट करके कर सकता हूँ। ओवरऑल इजीली मैं इसको ऐसे रोटेट भी कर सकता हूँ जिससे कि काफी अच्छा होगा कि आराम से मैं कोई भी फोटो ले सकता हूँ और इधर उधर के एक्शन भी कर सकता हूँ। ओवरऑल काफी स्टेडी लग रहा है, बस एक चीज मिसिंग है इसमें, अगर मोबाइल होल्डर होता तो एक कंप्लीट पैकेज हो जाता, सिर्फ एक मोबाइल होल्डर की कमी है। मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल होल्डर्स रखे हुए हैं, मैं वो लगा लूंगा, नहीं यार पसंद आया तो एक एक्स्ट्रा बाय भी कर लूंगा, क्योंकि मुझे थोड़े से स्टेडी मोबाइल होल्डर्स चाहिए होते हैं। उनकी वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रिव्यू किया था, एक स्टेडी मोबाइल होल्डर, उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और अगर आप इसे सस्ता जुगाड़ चाहते हैं तो वो वाला भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाकर वीडियो को देख सकते हैं। जो मैंने ऑलमोस्ट 2.5-3 साल पहले मंगवाया था मोबाइल स्टैंड, तो वो काफी अब लाइट हो चुका है, काफी अब तक 3 साल के बाद उसमें वेरिएबिलिटीज आ चुकी है, पर ये उसके मुकाबले काफी स्टेडी लग रहा है। अगर हाँ आप चाहते हैं कि मैं दोनों को कंपेयर करूं तो जरूर नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं जरूर उसे कंपेयर करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन फॉर वॉचिंग।